पुष्पा सारे सुपरचार्ज सीट कर दी गई है पुष्पा 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 बताओ तो भाइयों कैसी लगी मूवी ओवरऑल सब चीजों को खोल के रखा जाए अगर एक एक चीज के बारे में बात करी जाए स्पॉइलर अलर्ट पहले से ठीक है कौन जाना चाहेगा कौन कौन नहीं चाहेगा पहले पीजे समा पीजे समा हॉट टॉपिक ओके सो मैंने देखी क्या ऑडियंस हिपोक्रेट के किस मैं सवाल समझना चाहता हूँ तुम्हारा क्योंकि मैं इंटरनेट पे कमेंट्स और या फिर, या... नहीं, फिर नहीं तुम छोड़ो वो सारी चीजें छोड़ो तुम ये बताओ कि मूवी तुम्हें कैसी लगी स्टार्ट करो जैसे अपन नॉर्मल बात करते हैं हाँ, तो मैंने मैं कह रहा हूँ मैंने मूवी को एंजॉय किया गलत रीजंस की वजह से मैं बहुत प्राउड नहीं हूँ जस्ट लाइक कि मूवी बहुत क्रिंज होती है अपने अपने डायलॉग्स और पथेटिक सीक्वेंसेस को लेकर काफ़ी नीचे जाती है जिसको देख के एम्बेरसमेंट होती है बट वो एम्बेरसमेंट एक एक गिल्टी प्लेजर के तौर पे भी जाता है कि क्या मैं देख रहा हूँ और मैं उसे इंजॉय कर रहा था जैसे हम बुरी मूवीज़ को देख के इन्जॉय करते मैं नहीं कहूँगा कि एंटायरली ही बुरी है कि कुछ चीज़ें पसंद आती हैं जब पुष्पा मतलब अपने इमोशंस को लेकर टूट रहा होता है या फिर फहाद फाजिल एंड पुष्पा का डायनमिक्स से मैं कुछ और सीरियस एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था जब तक फहद फाजिल का वो फाइनल सीक्वेंस नहीं देखने को मिला Uh, कुछ चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा हूँ बट ओवरऑल मूवी की ऐसी इज्जत नहीं करता जैसा पुष्पा इज्जत चाहता था फिल्म के अंदर नहीं। नहीं। तुम बताओ बादल हो गया और क्या पुष्पा टू पुष्पा टू मैंने एंजॉय करी मूवी और अपने वीडियो के अंदर उसको रेकमेंड भी किया एक शर्त पे कि अगर आप इसको देखने आ रहे हो तो आप अपना दिमाग बंद करो ठीक है और आप को अगर ऐसा है पिक्चर में कि आपको चिल्लाने वाले मोमेंट्स चाहिए और वो सब कुछ माहौल देखना है तो डेफिनेटली यू कैन गो और दिमाग बंद रहेगा तो यू विल हैव अ गुड टाइम दिस इज व्हाट आई थिंक ऑफ पुष्पा ओके टू मेरे को हाँ फर्स्ट वाली ठीक लगी थी ठीक है yeah. मैं फर्स्ट hmm. वाली मूवी का बहुत फैन नहीं था मेरे को ठीक लगी yeah. उसके क्लाइमेक्स पे मैं Uh, जैसे होता है ना कि मेरे लिए एक अच्छी मूवी का डेफिनेशन होगा कि वो एक परफेक्ट ओपनिंग के साथ परफेक्ट क्लोज भी हो ठीक है लेकिन वो मूवी अच्छे से क्लोज नहीं करती अपने आप को लाइक उसके क्लाइमैक्स पहले हो जाता है फॉर सीक्वल तो मेरे को ठीक लगी थी और इस वाले से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था uh, कि मतलब थोड़ा सा कुछ और उसमें हो राइट right? मतलब एक प्रॉपर ओपनिंग प्रॉपर क्लोजिंग हो बट कहा गया पीज़े? अरे नहीं भूल गया था बैटरी चेंज करना भ तो। not... अच्छा, देख तो सबसे, सबसे पहले तो मैं एक माइंडसेट बनाता हूँ सिर्फ एक चीज बताओ मूवी के बारे में एक चीज जो तुम्हें ऐसा है कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए अगर ये नहीं होगा तो मेरे लिए मूवी काम नहीं करेगी जो भी वो दिखाना चाहते हैं ठीक है से अगर कोई इमोशनल सीन है या कोई हाई एक्शन वाला सीन है, hmm. तो वो कनेक्ट करना चाहिए वो इमोशंस फील hmm. होने चाहिए। hmm. तुम्हारे लिए? हो रहा है मुझे मेरे लिए आ, थोड़ा सा अजीब होगा लेकिन मूवी बोरिंग नहीं होनी चाहिए बस ओके। इफ इट्स बैड इट्स गुड ठीक है ना बुरी हो तो बुरी हो अच्छी हो तो अच्छी हो बोरिंग मत करो बस ओके okay, तो मेरे लिए ये चीज है कि मूवी की राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ठीक है मूवी की स्टोरी प्लॉट जो है ना वो मतलब एकदम टाइटली पैक्ड होना चाहिए लेकिन इस इस मूवी को देख के मुझे ऐसा लगा कि मतलब उसका कुछ प्लॉट था ही नहीं hmm. जैसे तुम यहां से टुकड़ा उठाया तुमने वहां फिर फोर्टनाइट का मैप देखा है yeah. तो वो ऐसा लग रहा था कि वो उसकी कोई परफेक्ट ओपनिंग नहीं है फिर उसके बाद बीच में वो कहाँ जाती है वो नहीं पता फिर उसके बाद सेकेंड हाफ में वो कहाँ जाती है वो नहीं पता लास्ट में क्लोज कहाँ होती है वो भी नहीं पता देर आर लाइक मल्टीपल वर्किंग और उनमें से सम हाउ आखिरी में आके बस एक छोटा मोटा कनेक्शन बना के आप उसको एक मूवी के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो हाँ नहीं वो वो चीजें आई थिंक उनका प्लान नहीं था पार्ट थ्री को किस तरीके से ब्लूम कराना है बट रिलीज़ होते होते उन्हें रियलाइज़ हो गया कि नहीं हम पार्ट थ्री में और भी बड़ा पोटेंशियल रखते हैं मे बी जैसे उन्हें हाइप या डेटा मिल रहा हो तो उन्होंने कितनी चीज़ों को आगे पुश कर दिया चाहे वो जाप, जापान वाली सीन की बात हो या फिर फहाद फाजिल के पूरे ओवरअल्ड डायनेमिक की या फिर इवन जो उनका सिंडिकेट था उसके पॉलिटिक्स की भी बात हो वो चीज़ों को एकदम फ्लैश आउट नहीं होने देते छोटा सा नैरेटिव है सीएम को चेंज करना है उधर से पैसिटी मिल रहे हैं उसकी ब, उसकी भतीजी किडनैप हो जा रही है छोटी छोटी चीज़ें कोई भी बड़ा नहीं एक साल पहले हमें देखने को मिला था वेर इज़ पुष्पा इन विच दे प्रेजेंटेड पुष्पा लाइक वेरी बिग डील इंटरनेशनल क्रिमिनल थाईलैंड मलेशिया जापान बैंकॉक भाग रहा है अभी वीडियो देखोगे वो आई तो उसमें दिखेगा कि वो क्रॉसिंग शिप हो या क्रॉसिंग दिखेगी जहाँ पे वो दिखाया जा रहा है पुष्पा का आइकॉनिक लोगो एंड मूवी में जापान वाला कनेक्शन से जोड़ के आप बता सकते हो कि मे बी उसी सारे इश्यूज की वजह से वो जापान गया था और मूवी इसे एड्रेस नहीं करती क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हुआ कि पार्ट थ्री में इसी नैरेटिव को हम बड़े लेवल में प्रेजेंट कर सकते हैं जब उसका जब उसकी दुश्मनी अपने कैबिनेट मिनिस्टर से पड़ी जो बिग बैड हमें दिखाया गया था क्योंकि अब वो पर्सनल लेवल पे उसे नेशन वाइड सबसे बड़ा स्मगलर गैंग गैंगस्टर घोषित कर देगा ये पार्ट थ्री की मेरी थ्योरी है जो कि वो दिखाना चाहते थे टू में लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि हम थ्री में बेटर कर सकते हैं आई थिंक जैसे उन लोगों ने वो शॉर्ट यूज किए थे जो वो दिखाते ना कि लोगों के स्टेशन पे वो मेट्रो का वो... वो जब वो पूरा बंद कर देता है ना उसकी भतीजी किडनैप हुई होती है जब बंद कर देता है तब के वो सारे शॉर्ट्स हैं वो उन्होंने कट करके डाला था कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया है नरेशन से उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दिया कि वो लोग पुष्पा को ढूंढ रहे हैं हम्म बट ये जो तुम बोल रहे हो ना आई आल्सो अंडरस्टैंड मेरे को भी लगता है कि ये इस चीज पे प्ले आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से कि अब मतलब थर्ड पार्ट इज लाइक वेर इज पुष्पा कहाँ गया पुष्पा कि वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है और अब किसी But... को पता नहीं है हाँ उन्होंने जो वेरिस पुष्पा डाला था उसको तुम तो तो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं मान सकते हो क्योंकि उसमें वो बोली थी कि बारह गोलियाँ लगी हैं या आठ गोलियाँ लगी हैं या जो भी है पर यहाँ तो ब्लास्ट है वही बता हाँ। रहा हूँ ना कि इन, इन इनकी कहानी पूरी तरीके से इनके दिमाग में फॉर्म नहीं थी एंड इवन हम आप तुम्हें रियलाइज़ होगा कि एंड एंड तक ये चीज़ें शूट कर रहे हैं रीराइट -right हो रहे हैं म्यूजिशंस फायर हो रहे हैं नए लोगों को हायर किया जा रहा है एंड ये जो मैंने अभी थ्योरी बताई उस पर मैं पूरी तरीके से अटल अभी भी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि लास्ट मिस स्पॉइलर हो जाएगा ठीक है जो एक मिस्टीरियस फिगर हमें देखने को मिलता है वो दोनों लोगों को हार्म पहुंचा रहा है जो दोनों का थ्रेट है तीसरी मूवी पुष्पा को सबसे बड़ा नेशन वाइड थ्रेट बना सकती थी वो पॉलिटिशियन के चलते बट वो एक जो मे बी अगर वो जो जहां से भी आ रहा है ईस्ट से बंदा हुँ, वो हुँ. उसको थ्रेट कर रहा है वो क्यों बीच में में इतना बड़ा एक एक अलग ही डायरेक्शन कहानी को लेकर जा रहे हैं कि एक है हम पहुंचा रहा है तो उसने जो सेंट्रल मिनिस्टर क्या भेजा था वो तुमको लगता है बॉम्ब था तो बॉम होगा नहीं वो बॉम्ब नहीं था।, था वो सिर्फ एक प्रेजेंट था वो श्राद्ध वाली बात थी ना तो वो पूछता है वो नहीं आ रहे क्या

क्योंकि आप अपने दुश्मन के दुश्मन को क्यों ही उड़ाओगे ना देखो यहाँ पे ना एकदम सिंपल चीज है मैंने सोचा इसके बारे में ना तो उन्होंने पार्ट टू में सेम पार्ट वन का स्ट्रक्चर यूज किया पूरी की पूरी पिक्चर का ठीक है पहले में देखोगे तो पुष्पा जो भी, -भी मजदूरी वगैरह करता था उसके सामने तीन प्रॉब्लम थी सबसे पहला उसका फैमिली का कि नाम नहीं था नाजायज था वो दूसरा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसमें उसको ऊपर बढ़ना था ठीक है पहले वो लॉरी चलाता था फिर वहाँ से थोड़ा नाम किया फिर थोड़ा और नाम किया जो भी है और तीसरा जो था वो पुलिस वाले का था सही है तीसरी प्रॉब्लम पुलिस वाले की थी सेम चीज उन्होंने इसके अंदर भी करी फैमिली के नाम का प्रॉब्लम वो रैंडमली बीच बीच में आ जाते थे, थे और थोड़ा ऐसे दिखा देते थे, थे कि हाँ पैसा आ गया सब कुछ आ गया लेकिन तू अभी भी सौतेलाया तेरा खून गंदा या जो भी है फैमिली वाली प्रॉब्लम दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बड़ा करना वो क्यों आया क्योंकि सीएम को जो भी है उसको चेंज करना था उसके लिए बेसिकली उसने अपना ऑर्गेनाइजेशन को ही बड़ा करने की कोशिश करी ना कि ज्यादा माल मंगा लिया और उसके वजह से फिर पूरी पिक्चर चलती है और तीसरा प्रॉब्लम पुलिस वाला करेक्ट और पहले इसमें भी जो मेन स्टोरी है लकड़ी के बिजनेस में अपना नाम बड़ा करने वाला वो कंक्लूड हो जाता है आधा घंटा पहले सही है और फिर वो लोग एक नया कैरेक्टर दिखाते हैं कि ये आया है ये बहुत डेंजरस है और पुष्पा को टक्कर देगा और तुम अगले पार्ट में देखना क्या देखने मिलेगा सेम एग्जैक्ट चीज उन्होंने अभी भी करी जो मेन पूरी कहानी है कि उसको बिजनेस एक्सपांड करना है सीएम चेंज करना है वो आधा घंटा चालीस मिनट पहले खत्म हो जाती है फिर एक्स्ट्रा स्टोरी उन्होंने ऐड करी कि उसकी भतीजी किडनैप हो गई तो उसने उसको मार दिया जिसके कारण एक और नया विलन आया हुआ है जो कि बहुत तगड़ा है और तुमको अगले पार्ट में दिखाएगा कि वो कितना टक्कर लेता है कुछ पास